गाड़ी बंद हो चुकी है, साइड में रोकना ही पड़ेगी। गाड़ी चल नहीं रही है, बंद पड़ी हुई है। देखो पीछे वाला गेट गिरा हुआ है, अंदर वाला गेट नहीं गिरा हुआ है। सो हे गाइस, दिस इज मी राहुल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फटाफट रस्ते के चलते चाय और चलो पीते हैं चाय, क्योंकि मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है। और गाइस इसको देखो, तो गाइस इसको भी ब्लॉग में आना है। आज की मॉर्निंग तो काफ़ी बढ़िया हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, चाय अभी बारिश हो रही है बाहर, और शीरों में जैसे मस्ती पूल किनारा उसकी उसको इसको भी हम बिस्किट खा रहे थे, उसको बिस्किट चाहिए। और बाहर का मौसम हो रहा है बहुत खतरनाक, तो गाइस चावन सीधे चलेंगे बाहर, सीधा रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो फिर सीधे जाना है। अभी पहले जाते हैं स्टारबक्स, की कॉफ़ी पीते हैं फिर कुछ खाने के चलेंगे। तो गाइस मैंने अभी तो बॉस पहनी है एम्पोरियर की वॉच और लाल मार्टिन की जीन्स, अब देखते हैं सन ग्लासेस कौन से पहनेंगे। गाइस मैं वही सोच रहा हूँ कि आज कौन से सन ग्लासेस पहने जाए, तो देखते हैं डॉल्ची वाला ही पहन लेते हैं। गाइस का बैग तो काफ़ी प्रीमियम बैग है, बिल्कुल ऐसा लगता है पाउच है किसी चीज़ का। तो मैं अपने सारे शूज़ रखे हुए हैं, वही सोच रहा हूँ कौन सा पहना जाए। तो गाइस एयर तो नहीं पहनेंगे, जॉर्डन्स, तो गाइस दोनों जॉर्डन्स रखे हुए हैं इधर, एडिडास और नीचे भी सारे शूज़ रखे हुए हैं, एम्पो ही रखे हुए हैं ब्लैक वाले, और इसके नीचे भी शूज़ ही शूज़ हैं अपने। तो गाइस देखते हैं कौन सा शूज़ पहना जाए, तो अपने एडिडास ओरिजिनल से एक नंबर लगे हैं, तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस मेरा प्लान तो कुछ और ही था, गोल्फ वगैरह जाने का, क्योंकि आज का मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, क्या मज़ा ही आ जाएगा गोल्फ खेलने का। लेकिन अपना भाई अभी बिजी है, मतलब थोड़ा कोचिंग वोचिंग जा रहा है इसके लिए, ये तो बस को लेते हैं। तो सोच रहे हैं आज अभी ध्रुव को ले लेंगे, फिर कल चलेंगे गोल्फ या गो बनाना, तो देखते हैं। और उसकी मम्मी अलाउ करेगी तो, क्योंकि मौसी बहुत चिड़ती है, वो पढ़ाई करता नहीं है बिल्कुल भी, दिन में हमारे साथ घुमा करता है। अब देखने जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, क्योंकि फिनिक्स मॉल का जो आगे का शेड होता है जहाँ पर अपनी गाड़ी पहले खड़ी होती थी वो पूरा गिर चुका है। तो भाई मैंने तो न्यूज़ देखी, अब हम देखेंगे कैसा क्या गिरा हुआ है। तो भाई देखो पीछे वाला गेट गिरा हुआ है, अंदर वाला गेट नहीं गिरा हुआ है। भाई तो आप लोग ले जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल के अंदर आपको क्लिप दिखाने के लिए। भाई मुझे लगा था कि ये वाला गिरा, लेकिन वो पीछे वाला गिरा हुआ है, तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी होती थी, तो आपके लिए घूम के आ गया हूँ मैं। तो भाई सबके साथ देख रहे थे, वो गार्ड भी खड़े थे गेट खोलने के लिए। तो भाई चलते हैं बाहर से, आपको दिखाता हूँ साइड क्लियर होकर, आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगा। तो भाई देखो वो गिरा हुआ है पूरा, पूरा पिलर ही गिरा ऊपर से, गाइस देखो पूरा नीचे तक अच्छा कोई है नहीं, वो सूरज था हुआ था, मुझे यहाँ दिक्कत भी नहीं हुई है। लेवन पियेंगे कॉफ़ी, क्योंकि आपको पता है मुझे कॉफ़ी कितनी फेवरेट है गाइस, लेकिन स्टारबक्स फिनिक्स मॉल में भी था, लेकिन गाइस मुझे उनकी मतलब कॉफ़ी इतनी अच्छी लगती नहीं है। सबसे अच्छी मेरे बेस्ट कॉफ़ी से विजयनगर वाली लगती है और यशवंत वाली की लगती है। सब जा रहे हैं सीधा विजयनगर के स्टारबक्स, वहाँ लेंगे अपनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। चल बस भाई मेरी कॉफ़ी आ गई है, तो अपने करा लिया फूड पैक। तो गाइस अभी मैं स्टारबक्स से निकल चुका हूँ, तो अपन जा रहे हैं अपने थोड़े कुछ फैंसी बॉल्स हैं ना, वो बता दिखाऊंगा कैसी बॉल्स है वो। तो ये अपन जा रहे हैं ग्रास डेकोरेशन शॉप पे, तो दिखा दूंगा वो उसको, उस बॉल की बात कर रहा हूँ। स्पेशल ग्रास भी मिल जाती है वैसे, स्टेट्स वगैरह, तो ये अपन ले रहे हैं फ्लावर पॉट वगैरह। ये वर्टिकल ग्रास है जो अपन देख रहे हैं अपने रूम के लिए लगाने के लिए, यहाँ पर मैंने थोड़े पॉट्स देखे, वाले पॉट्स देखे हैं मिल जाती है, तो ये अपन पॉट्स ले रहे हैं वाले बाल लगाने के लिए। आए थे कुछ और लेना, कुछ दूसरा सामान लिया, वो जो सामान लेना था वो तो लिया नहीं, अब चलते हैं कुछ खाने। भाई हमेशा ये होता है, अपना काम तो कुछ और था, जो अपन को बॉल चाहिए थी वो तो मिली नहीं ग्रास बॉल, और कुछ और ही ले लिया, तो हमने थोड़ा गार्डनिंग का सामान लिया, जो अपने आगे वाले जो शेड है वहाँ पर अपन सारे लगाएंगे, सारे गमले लगाएंगे वहाँ पर। तो गाइस मोमोस आ चुके हैं, इनके तंदूरी लैग देखो एक नंबर है गाइस, और इनके मोमोस ही बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस तो आपको यहाँ पर बेस्ट चीज़ खानी है सोनमा ग्रीस में, तो गाइस इनके तंदूरी चीज़ मोमोस बहुत बढ़िया है। और गाइस अपना कल का जो प्लान था वो जाने का, वो भी प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ध्रुव की मम्मी ने मना कर दिया है, और अभी सोचा जहाँ पर मेला लगा है वहाँ चाहते हैं, लेकिन अभी ध्रुव की मम्मी ने मना कर दिया है, फिर गाइस की कोचिंग चल रही है इसके कारण, तो अपना कल का प्लान भी चौपट हो गया है। तो अब देखते हैं कल क्या करते हैं अपन। गाइस देखो बहुत सारे आउटलेट यहाँ पर खाने के, गाइस काफी ज्यादा वैरायटी यहाँ पर पूरे देखो, इस साइड भी पूरी, और देख पर ट्रैफिक देखो कितना, मतलब ट्रैफिक का काफी ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और उस साइड भी क्रश कॉफी वगैरह है। बेल्ट टूट गया है, गाड़ी चल नहीं रही है, अभी गाड़ी बंद पड़ी हुई है। तो गाइस गाड़ी बंद हो गई है, अब बेल्ट ढूंढ रहे, देखो गाइस ये बेल्ट यहाँ पर लगता है इसके अंदर दिख रहा है वो, वहाँ से पूरा बेल्ट निकल गया गाइस। अच्छा हुआ कि अपने साथ कुछ हुआ नहीं, कोई हादसा हुआ नहीं, इसलिए अच्छा पहली रोक दी थी मैंने गाड़ी, क्योंकि हैंडल जाम हो रहा था बिल्कुल। पैम कैफे आ गया था, तो अपने पीछे कैफे है, तो ये बचा रहे हैं बाबू आए और लेने, क्योंकि मैकेनिक को लेने चलो। ये अपन जा रहा हूँ देखते, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है, अब देखते कहाँ पर मिलता है। और अब हम जा रहे हैं हमारी दूसरी गाड़ी के पास, उसका बेल्ट हम सोच रहे कि निकाल सकते हैं। लोग अपन अब सीधा घर लेके जा रहे हैं, बस बेल्ट निकला हुआ तो कल बेल्ट लगाएंगे। गाड़ी बंद हो चुकी है,
धीरे साइड में रोकना ही पड़ेगी, टो ही करना पड़ेगी, मतलब टो ही करना पड़ेगी भाई। भाई अभी 9 बज चुके हैं, ताकि अपने दोस्त ले गया है गाड़ी लेने, और गाड़ी तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल डिस्प्ले भी बंद हो गई थी, पार्किंग लाइट चल रही है, तो अब देखते कितनी देर और लगती है और बारिश अलग हो रही है। कार आ चुकी है, तो अभी अपन टो करने वाले हैं। तो अपन ने पहले वो बेल्ट लगा दिया था जिससे टो होती है, उसको अपन रस्सी बांध के टो करेंगे इसको। बैक टू द होम। तो गाड़ी अच्छा हो गई, हादसा वस्ता नहीं हुआ, अपनी गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, तो गाड़ी का बेल्ट ही टूट गया था बीच में, और बिल्कुल जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था बिल्कुल हैंडल लॉक हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल गाड़ी बंद जैसे भी कैसे बंद हो गई थी, पूरी बंद हो गई थी। और तो काश करो गाइस, अपन ज़्यादा थे नहीं और ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी गाड़ी की, तो इसलिए पहले मैंने साइड में लगा ली थी, और अपने दोस्त को अपने फ़ोन लगा लिया था। तो गाइस अब अपन चलते हैं, अब क्या करो मुँह हाथ धोते हैं गाइस, मेरी तो पटके चालू हो जाएगी अगर बेल्ट बीच में टूट जाता तो क्या होता। तो गाइस चलो मुँह हाथ धोते हैं फिर चाय पीते हैं। तो गाइस गाड़ी तो करके बाहरी खड़ी है, मेरे दोस्त और हम टो करके ले आए थे, तो गाइस कल सर्विस सेंटर जाएगी तो पता चलेगा क्या। और पूरी बैटरी बंद हो गई है गाड़ी की, बिल्कुल चालू ही नहीं हो रही, बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हो रही, और स्टीयरिंग लॉक हो रहा है। अब कल कंपनी में जब जाएगी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, अब देखते हैं कल क्या कैसा क्या रहता है, वो तो आपको बता ही दूंगा कल सर्विस सेंटर जाऊंगा ही। तो गाइस चलो ब्लॉग एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।